एवरीवन, सो दिवाली आ रही है और हर जगह देखने जाओ तो दिवाली की तैयारियां चल रही है और हमने सोचा ये दिवाली के लिए कुछ स्पेशल करते हैं और हम खुद बनाने वाले हैं, अपने आप एक रॉकेट बनाएंगे। और ये जो रॉकेट है वो खिलौने वाला रॉकेट नहीं है, ये सही में ऊपर जाएगा। वैसा एक इंटरेस्टिंग रॉकेट बनाएंगे जिसमें हम इंजिन का यूज करेंगे और ये रॉकेट को लॉन्च करेंगे। तो ये रॉकेट को बनाने के लिए आपने वीडियो में के स्टार्टिंग में देखा होगा जो मटेरियल्स की हमें जरूरत पड़ती है वो, और हमारी किट भी है इसकी। वो किट में पूरा जो सामान है मटेरियल वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि हम रॉकेट बनाने के लिए उसकी बॉडी ट्यूब बनाएंगे। बॉडी ट्यूब बनाने के लिए हमें सिंपली एक रेक्टेंगल जो शीट दिया है आपकी किट में वो किट का इस्तेमाल करना है, और ये जो पाइप दिया है ये पाइप का यूज करेंगे और हम इसे बॉडी ट्यूब बनाएंगे। ये बॉडी ट्यूब बनाने के लिए हमें सिंपली ये जो पाइप है उसको हम ये लॉन्ग साइड है उसके ऊपर रखेंगे और हमें इसको टाइटली रोल करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रोल इट टाइटली। हाफ रोल करेंगे, ऐसे टाइटली हाफ रोल करेंगे और एक शेप, सिलेंडर का शेप देने का ट्राई करेंगे इसको। और हाफ पार्ट में हमें ग्लू अप्लाई करना है। ग्लू अप्लाई करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है, वो हम फॉलो करेंगे। आप देखें तो मैं चारों तरफ अच्छे से ग्लू को स्प्रेड कर रहा हूं, हर जगह हमें ग्लू को स्प्रेड कर रहा हूं। फिर हमें हमारी फिंगर्स का ही यूज करना है इसको स्प्रेड करने के लिए। खास करके ये देखिए जो बॉर्डर्स हैं, एजीज हैं, वहां पर खास करके हमें अच्छे से ग्लू को स्प्रेड करना है। अभी हाथ का यूज करेंगे और अच्छे से ग्लू को हम हर जगह स्प्रेड कर देंगे। दिस इज हाउ वी विल स्प्रेड द ग्लू। वेरी नाइस। नाउ अगेन कंटिन्यू करेंगे इसको रोल करने का और टाइटली बॉडी का शेप, बॉडी का ट्यूब बना देंगे हम। कीप ऑन रोलिंग इट वेरी टाइटली। नाइस। एंड देन यू कैन जस्ट प्रेस इट लिटिल बिट एंड देन सिंपली टेक द बॉडी ट्यूब आउट, दिस पाइप आउट। एंड सो दिस इज हाउ यू विल गेट अ बॉडी ट्यूब गाइस। ये आपका बॉडी ट्यूब है। यहां पर भी देखें तो अच्छे से प्रेस कर देना है हमें ताकि अच्छे से चिपक जाए। ग्लूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर एक्टिविटी। जो आपके किट में भी हमने फेविकॉल दिया हुआ है काफी क्वांटिटी में, सो आई एम श्योर दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू मेक दिस मॉडल। सो माय बॉडी ट्यूब इज रेडी एवरीवन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। मेरा बॉडी ट्यूब रेडी है। अब हम दूसरा पार्ट बनाने का ट्राई करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलेंगे नोज कोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसका जो शेप होता है वो एरोडायनेमिक शेप होता है जिससे वो हवा को अच्छे से काटेगा और उसको काफी अच्छा लिफ्ट मिलेगा, काफी अच्छा उसको ऊपर की तरफ का फोर्स मिलेगा। इसको बनाने के लिए ये देखो, ये आपको एक ऑलरेडी शेप दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है यहां से हमें कोन शेप बनाने का ट्राई करना है। तो आप उसको सिंपली पहले प्रेस कर देंगे बीच में से और उसको जरा सा एक शेप देने का ट्राई करेंगे, सर्कल शेप जैसा। और फिर जैसे ये थोड़ा सा नरम हो जाता है पेपर, आपको सिंपली इसको रोल करना है ऐसे और इसको कोन जैसा शेप देने का ट्राई करना है आपको। बट इसमें एक चीज ध्यान ये रखनी है कि हमारा जो कोन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा बॉडी ट्यूब जो है अंदर फिक्स हो पाए। अगर आप एकदम छोटा कर देंगे तो हमारा बॉडी ट्यूब अंदर जाएगा ही नहीं, तो वो चीज हमें यहां पर खास करके ध्यान रखनी है। तो ये देखो मेरा देखने जाओ तो प्रॉपर शेप मिल गया है मुझे। अब यहां पर मैं हाफ में ग्लू लगाऊंगा और इसको अच्छे से मैं चिपका दूंगा कोन को। यहां पर जगह ना रहे उसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हवा जाएगी अंदर तो हमारा जो रॉकेट है उस थोड़ा डिस्टर्ब होगा और प्रॉपर ग्लाइड नहीं मिलेगा उसे। बोलो। अब मैंने देखो ग्लू लगा दिया है, अब मैं इसको चिपकाने का ट्राई कर रहा हूं अच्छे से। मेक श्योर यू डू इट वेरी केयरफुली। उसका कोन जो है वो प्रॉपर शेप में आना चाहिए और इसको अच्छे से हम चिपकाएंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे एंड मेक श्योर इट स्टिक्स प्रीटी वेल। नो रश, नो हरी, अच्छे से इसको चिपकाएंगे। ग्लोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर रॉकेटरी, सो प्लीज मेक श्योर यू स्टिक इट वेरी नाइसली। परफेक्ट। ये देखो हमारा काफी अच्छे से ग्लू लग गया है एंड लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम। सो ये सारे पार्ट्स हो जाने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देंगे। अब ये हम ये पेपर देंगे जो छोटा सा रेक्टेंगल शीट दिया है, इसको हम पेपर को जरा सॉफ्टन करेंगे, ऐसे हम रोल करके उसको सॉफ्टन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गिव अ सिलेंड्रिकल शेप। बट ये जो उसका फिटिंग जो है, जैसे मैंने बताया कि इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, वो ज्यादा नहीं, जरा सा थोड़ा सा छोटा होना चाहिए।
और इसको हम रोल करेंगे, रोल करके हम इसको अच्छे से एक शेप देने का ट्राई करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप। अब देखिए काफी अच्छा शेप मेरा मुझे मिल गया है यहाँ पर। अब यहां पर भी हम आधे पार्ट में ग्लू करेंगे, आधे में नहीं करेंगे। तो अगेन मैं इसको खोल दूंगा जरा सा, आधे पार्ट में ग्लू अप्लाई करके वापस इसको मैं लगा दूंगा। ये मैंने ग्लू लगा दिया है, देखें आप जरा अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और मैं वापस ये जो रोल है वो रोल को खत्म करने का मैं ट्राई करूंगा और हमें अच्छा सा एक सिलेंड्रिकल शेप मिल जाएगा। मेक श्योर बीच में जगह ना रहे, आप अपने फिंगर्स का यूज कर सकते हैं टू गिव इट अ प्रॉपर शेप। वेरी नाइस। तो हमारा कपलिंग भी रेडी हो गया है गाइस। तो तीन पार्ट हमारे रेडी हो गए अब तक, बॉडी ट्यूब, हमारा कोन और हमारा कपलिंग। ये तीन पार्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं और हम जरा चेक कर ले हमारा कपलिंग जो है वो आसानी से जा रहा है, दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये कपलिंग ट्यूब तो रेडी हो गया है। अब ये कपलिंग को हमें लगाना है कोन के अंदर। वो कोन के अंदर लगाने के लिए सिंपली जरा सा हमारे हाथ में ग्लू ले लेंगे हम, और इसके जो एज है ये एज के ऊपर हमें ग्लू लगाना है। कोई भी एक एज के ऊपर आप ग्लू लगा दीजिए, अच्छे से चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए ग्लू को। और ग्लू लगाने के बाद हमें इसको कोन के अंदर फिक्स करना है। तो सिंपली देखिए मैं कोन के अंदर इसको डाल रहा हूँ, थोड़ा उसको प्रेस करेंगे थोड़ी देर, तो ताकि ऐसे पकड़ के रखेंगे ताकि वो चिपक जाए अच्छे से। तो अब देखिए मेरा कपलिंग जो है वो कोन में अच्छे से फिक्स हो गया है और मेरा बॉडी ट्यूब भी देखिए तो काफी अच्छे से अंदर जा रहा है और वो काफी अच्छे से फिट भी हो रहा है। तो आई थिंक दिस लुक्स अ गुड डिजाइन टू मी। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम बनाएंगे उसके फिंस बनाएंगे। तो फिंस बनाने के लिए ये जो तीन रेक्टेंगल शीट है, तीन फिंस बनाएंगे, ये तीनों का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है फिंस बनाने के लिए, इसको हम हाफ में इसको फोल्ड कर देंगे, जस्ट फोल्ड इट इनटू हाफ, सिंपली ऐसे इसको हाफ में फोल्ड कर देंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद हमें दोनों साइड से जरा जरा सा एक एज जो है उसको बाहर निकालना है, जस्ट लिटल। फॉर दैट यू कैन यूज अ स्केल टू टेक द एजेस आउट लाइक दिस, दोनों तरफ वही प्रोसेस करेंगे हम, सो दैट द एजेस कैन कम आउट एंड वी कैन स्टिक इट वेरी इजीली विद द रॉकेट। तो कुछ ऐसा दिखेगा, आप देखें जरा कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम क्या करेंगे इसको अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर यहां पे ग्लू ठीक से नहीं लगा तो गाइस ट्रस्ट मी जब आपका रॉकेट लॉन्च होगा तो वो कोई भी डायरेक्शन में रैंडमली जा सकता है। सो टू गिव इट अ प्रॉपर फ्लाइट लेट अस मेक श्योर वी अप्लाई अ वेरी नाइस ग्लू। अप्लाई द ग्लू ओनली ऑन वन साइड, नॉट ऑन बोथ द साइड्स, एंड अप्लाई द ग्लू एंड देन यूज योर हैंड टू जस्ट स्प्रेड द ग्लू एंड देन जस्ट स्टिक बोथ द पार्ट्स टूगेदर, टाइटली उसको प्रेस करें जरा अच्छे से प्रेस करें। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो थोड़ा ग्लू का आपके पास है उसको आप इसकी जो साइड्स हैं एजेस जो हैं वहां पर लगा ले, जरूरत पड़ती है तो थोड़ा और ले लेंगे हम, एंड वी विल जस्ट सिंपली स्टिक इट ऑन एनी साइड ऑफ द रॉकेट। कोई भी एक साइड पर आप लगा दीजिए, कोई भी साइड पर, एंड पर, इसके एंड पर लगाएंगे, अच्छे से इसको प्रेस करेंगे ऐसे। वेरी नाइस। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मेरे फिंस भी चिपक गए, आप देखिए तो अंदर जरा भी जगह नहीं है, जरा सी भी जगह नहीं है। तो बहुत ही परफेक्ट डिजाइन मुझे मिल रहा है मेरे रॉकेट का, नाम श्योर दिस इज गोइंग टू ग्लाइड सो वेल, परफेक्ट। और दो फिंस अरेंज करने हैं, दूसरे दो फिंस कैसे अरेंज करेंगे, जैसे वाई शेप बनता है, यानी मेरा पहला फिन यहां पर है तो मेरा दूसरा यहां पर लगेगा, उसके सामने नहीं लगेगा। ये अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फिन्स आर एट 120 डिग्री टू ईच अदर फ्रॉम आउटर एंगल एंड फ्रॉम इनर एंगल दे आर एट 60 डिग्री टू ईच अदर, सो मेक श्योर द अरेंजमेंट इज एक्जैक्टली द सेम वे। अभी मैं सेम वे दूसरा फिन लगाऊंगा और तीसरा फिन लगाऊंगा। तो गाइस देखे तो मेरा काफी अच्छे से फिन्स उसके अरेंज हो गए, आप देखिए तो इट इज एक्चुअली अरेंज इन अ पर्टिकुलर यू नो वाई शेप। आप क्लोजली देखें जरा इसे, दिस अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको काफी अच्छे से चिपकाए, अगर आप देखें तो जगह जरा भी बची नहीं कि जहां से हवा पास हो सके, काफी अच्छे से उसको हमने चिपकाया है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम एक्चुअली। और एक चीज जो मैं आपको कहना भूल गया कि ये इसको चेक करने के लिए कि आपका जो कोन है और बॉडी ट्यूब अप्रोप्रिएटली फिक्स हो कि नहीं, वो चेक करने के लिए आप इसको उल्टा करके दो तीन बार ऐसे शेक करें, नहीं गिर रहा है दैट मींस यू आर गुड टू गो, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट लुक्स लाइक ओवरऑल। नाउ अब हम बनाएंगे लॉन्च बग। लॉन्च बग जो है वो यहां पर फिक्स होता है
उसके लिए हम जरा सा टेप का इस्तेमाल करेंगे और टेप की मदद से लॉन्च बग को हम यहाँ पर चिपका देंगे। लॉन्च बग यानी ये हमारा एक स्ट्रॉ का पीस है, दैट विल वर्क एज अ लॉन्च बग, जो रॉकेट के साइड में यहाँ पर रहेगा। ये थोड़ा सा लंबा है, मैं इसको जरा सा काट दूंगा और हम सेलो टेप का यूज करेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर साइड में दो फिन्स के बीच में लगा देंगे। इसका भी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखें कि जहां पर फिन स्टार्ट होते हो वहां पर लॉन्च बग एंड होना चाहिए। तो इसका अरेंजमेंट ऐसे होगा कुछ, मैं आपको करके दिखाता हूं अभी टेप लगाकर। तो मैंने टेप लगा दी है लॉन्च बग के ऊपर। अब मैं इसको एग्जैक्टली यहां पर प्लेस करूंगा दो फिन्स के बीच में और इसको टेप को अच्छे से लगाने का मैं ट्राई करूंगा, मेकिंग श्योर लॉन्च बग का जो पोजिशनिंग है वो स्ट्रेट रहे, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। और मैंने टेप को घुमा दिया है और ये मेरा लॉन्च बग जो है वो लग गया है यहाँ पर। दिस इज हाउ इट लुक्स। अब आपकी किट में आपको क्ले दिया हुआ है, ये क्ले जो है हम यहाँ पर वेट बढ़ाने के लिए करेंगे। ये जरूरी इसलिए क्योंकि अगर शायद हवा ज्यादा हुई कि विंडी अगर होगा तो ये हमारे रॉकेट को थोड़ा स्टेबलाइज होने में मदद करेगा। तो आपके पास जो दिया उससे आप समझिए 3/4 पार्ट ले सकते हैं, तो आधा इसका ले लीजिए। इसको अच्छे से आप प्रेस कर दीजिए यानी उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसको एक थोड़ा सा पतला सा शेप दे दीजिए और इसको हमें डालना है हमारी कपलिंग ट्यूब के अंदर। तो ये मैंने कपलिंग ट्यूब के अंदर डाला है इसको। कपलिंग ट्यूब में डालने के बाद हम पेंसिल या पेन ले लेंगे और इसको हमारे क्ले को अच्छे से प्रेस कर देंगे तो वो अंदर चिपक भी जाए और उसका लेवलाइज भी हो जाए, वो लेवल भी हो जाए अच्छे से। तो ये हमारा जो है वो पार्ट भी रेडी हो गया अच्छे से, आप देखें। और इसको मैं वापस यहां पर फिक्स कर दूंगा हमारे बॉडी ट्यूब में। ओके, तो ये फिक्स हो गया है हमारा। अब जो लास्ट पार्ट जो बचता है गाइस, जो मेन पार्ट जो है कि हम हमारा इंजिन जो है उसको कैसे लगाए, दैट इज वेयर द ओवरऑल एक्साइटमेंट टेक्स प्लेस। तो ये हमारा इंजिन है, ये इंजिन को ऑलरेडी जो करना चाहिए स्टेप्स वो ऑलरेडी हमने कर दिए हुए हैं। हमें सिंपली इसको अंदर पीछे की तरफ इसका फिटमेंट जो है उसको अरेंज करना है। अभी वो अरेंज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है वो हमें, अगर जब हम इंजिन डाल रहे हैं आपको लग रहा है कि आपका इंजिन थोड़ा भी लूज है तो इमीडिएटली हमें क्या करना है कि आपको जो रिंग दी हुई है थ्रस्ट रिंग, यानी ये जो एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पीस दिया हुआ है कार्डबोर्ड के अंदर, उसको हमें ये इंजिन के आसपास हमें उसको रोल कर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये नहीं करेंगे तो होगा ये कि आपका जो सिर्फ ये जो इंजिन है वही ऊपर उठ के चला जाएगा और आपका रॉकेट वहीं के वहीं रह जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से ये हमारी जो थ्रस्ट रिंग है उसको ग्लू लगा देंगे और हमारे इंजिन के आसपास उसको लगा देंगे और फिर हम हमारे बॉडी ट्यूब में उसको पीछे से इंसर्ट करेंगे। तो क्विकली यहां पर ग्लू लगा देते हैं, मैंने ग्लू लगा दिया है और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। अब स्प्रेड करने के बाद हमारी बॉडी ट्यूब के आसपास इसको टाइटली लगा देंगे। यू रोल इट टाइटली सो दैट इट स्टिक्स वेल और उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, नहीं तो आपका इंजिन ही लॉन्च हो जाएगा और आपका रॉकेट वहीं के वहीं रह जाएगा। तो ये थ्रस्ट रिंग की मदद से क्या होगा कि वो आपके रॉकेट को भी इंजिन के साथ लिफ्ट करके लेके जाएगा। अब हम इसको अंदर प्लेस करने का ट्राई करेंगे, आप देखेंगे थोड़ा चेंज कि वो पहले से टाइट हो गया है। देखिए ये होल्ड कर रहा है अच्छे से, अभी भी मुझे थोड़ा लूज लग रहा है। तो इसके लिए मैं और क्या कर सकता हूं कि जरा सा और एक पेपर का मैं रोल जरा से मैं लगा दूंगा, जस्ट अ लिटिल विद आई अप्लाई बेसिकली, ये लूज नहीं। अब देखिए मेरा इंजिन जो है वो काफी अच्छे से टाइट हो गया है बॉडी ट्यूब के हिसाब से। अब मैं इंजिन को पुश कर रहा हूं अंदर की तरफ। वंडरफुल, तो ये हमारा इंजिन भी जो है वो अंदर चला गया है। एवरीवन आई एम सो एक्साइटेड कि हम इसको थोड़ी देर में ही लॉन्च करने वाले हैं और आपको भी दिखाएंगे कैसा हमारा फ्लाइट रहा ओवरऑल। अब सिंपली इसको थोड़ा स्लो इग्निशन करने के लिए ये जो पेपर का जो पार्ट है इंजिन का उसको निकाल लेंगे और फिर इसको इग्नाइट करेंगे। बट इसको अभी अरेंज कैसे करेंगे वो क्विकली हम जरा देख लेते हैं। और ये हमने बहुत ही सिंपल सा होममेड लॉन्च पैड बनाया हुआ है जिसमें अब देखें ग्लास में बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है और उसमें बीच में एक स्टिक डाल दी है। अब ये जो हमारा स्ट्रॉ जो है वो सिंपली ये स्टिक के अंदर जाना चाहिए और एट अ पॉइंट वो यहां पर रुक जाएगा। ये जैसे ही रुक जाता है
दैट इज द पॉइंट यू नो विल बिकम योर इग्निशन पॉइंट. अब सिंपली हमें यहां से इंसेंस स्टिक लेकर या तो लाइटर लेकर यहां से उसको सिंपली जलाना है और ये हमारा रॉकेट जाएगा शुम करके सीधा ऊपर से की तरफ जाएगा वो.